तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ थ्री डोर गोदरेज जो कि आपके सामने लकड़ी से बनाया हुआ है। आप देख सकते हो 5 फुट बाई 6.5 फुट के हिसाब से हमने तैयार किया है इसे। ये आप देख सकते हो इसका जो हाइट है वो 6.5 फुट है और इसका जो चौड़ाई है वो 5 फुट के हिसाब से हमने इसे तैयार किया है और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको तैयार किया है। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग आई हुई है। आप देख सकते हो बहुत ही हाई ग्लोसी मतलब फिनिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे साइड बिल्कुल प्लेन है। आप देख सकते हो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ये शुंडी लकड़ी के ऊपर हमने तैयार किया है जो कि गारंटेड लकड़ी है जो हमेशा हमारा यहाँ चलता है वही लकड़ी से हमने इसे तैयार किया है। और इसका जो सामने का डिज़ाइन है आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़्यादा मतलब नक्शा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है बट है काफ़ी अट्रैक्टिव। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। आप ऊपर से नीचे तक एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ से आप देख सकते हो ये ऊपर का डिज़ाइन हो गया और इसमें आपको मिलेगा 3 पल्ला 1 2 3। आप देख सकते हो दोनों एक साथ में है और एक सेपरेट है बिल्कुल अलग। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो ये हमारे वर्कशॉप है, पीछे आप देख सकते हो काम चल रहा है इसमें, मतलब यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ काम चल रहा है। यहाँ पर एक सोफ़ा भी रखा हुआ है, ये नक्शे का काम चल रहा है। मैंने कोशिश किया एक वीडियो के अंदर कवर करने का। और इसमें एक और ख़ासियत है मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। इसका नीचे जो है पहिया लगा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से एक ही बंदा इसको इधर उधर कर सकता है। तो ये देख सकते हो एक ही आदमी द्वारा इसको आप किधर भी ले जा सकते हो क्योंकि नीचे चक्का है। आप देख सकते हो पहिया है, ये देखो ये नीचे पहिया लगा हुआ है। तो एक बंदा कैसा आसानी से इसको मूविंग करने में बहुत आसान होता है क्योंकि ये बहुत भारी होता है। तो एक आदमी की बस की बात नहीं इसको इधर उधर करना, बट अगर पहिया लगा हुआ रहता है ना तो एक ही आदमी कर सकता है। ये आपके सामने आप देख सकते हो। तो आप भी अगर बनवाएंगे तो नीचे चक्का लगाना मत भूलिएगा। ये दरवाज़ा खोल के भी दिखाएंगे, ये देख सकते हो अंदर की साइड में है। यहाँ पर एक हैंगर मतलब हैंगर का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आप हैंगर पे कपड़ा लटका सकते हो आसानी से। और यहाँ पे एक लॉकर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप तिजोरियाँ रख सकते हो आराम से। आप देख सकते हो ये लॉकर है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुंडी दिया हुआ है ताकि दरवाज़ा कभी बेंड ना हो। इसके लिए ऊपर नीचे कुंडी देने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि लकड़ी है भाई, कभी कभार बेंड हो सकता है। और ये देख सकते हो आप अंदर का साइड जो है और यहाँ पे भी एक कुंडी लगा हुआ है। ये देखो आप अंदर से मतलब यहाँ पे शेल्फ आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 शेल्फ है और नीचे का जो हिस्सा है आप देख सकते हो पूरा खाली है। यहाँ पे बड़ा सामान आपको अगर कुछ रखना है तो आप आसानी से रख सकते हो। चलो लगा दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा।